कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला अपने जन्मदिन यानी 21 जुलाई को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस छोड़कर बीजेपी फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले लंबे वक्त से शंकर सिंह वाघेला को लेकर ये अटकलें चल रही हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कुछ दिन पहले शंकर सिंह वाघेला की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात हुई थी, तब भी इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि शंकर सिंह वाघेला बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग भी हुई। शंकर सिंह वाघेला इस बात को लेकर भी कांग्रेस से काफी नाराज हैं कि चुनाव सर पर होने के बावजूद कांग्रेस जीत के लिए कोई पुख्ता कदम नहीं उठा रही है। 6 महीने पहले जहां इसकी घोषणा हुई थी कि उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया जाएगा, वो भी नहीं हो पाया। शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस की कार्य पद्धति को लेकर काफी नाराज दिखे थे। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कह दिया था कि अगर कांग्रेस को खड़े में गिरना है तो गिरे, हम नहीं गिरेंगे। जनसंघ से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले शंकर सिंह वाघेला जनता पार्टी के टूटने के बाद 1996 में बीजेपी के सीनियर लीडर बने। बीजेपी से मोह भंग होने के बाद वाघेला ने राष्ट्रीय जनता पार्टी बनाई, जिसका बाद में उन्होंने कांग्रेस में विलय कर दिया। शंकर सिंह वाघेला 1996 से 1997 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात में इसी साल चुनाव होने हैं। बीजेपी जहां फिर से सरकार बनाने के लिए ताल ठोक रही है, वहीं कांग्रेस दंगल में मंगल करने का दावा कर रही है। अगर वाघेला वाकई बीजेपी से जुड़ते हैं तो ये मोदी एंड कंपनी के लिए जहां बेहद फायदेमंद होगा, वहीं कांग्रेस को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।